तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? ऐसा ही कुछ लगता है। तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे दिमाग के पेज भी ढीले हो गए हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि आज भी ऋषभ मधु के साथ ही खड़ा था। नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि मुझे तो ये देखकर ताजुब हो रहा है कि आपने इतनी बड़ी बात नोटिस कैसे नहीं की जो मैंने देखी। आपने शायद आरके की बातों में गौर से नहीं सुना। वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी सफलता और अपना नाम किसी के साथ नहीं बांट सकता, यहाँ तक कि अपनी बीवी के साथ। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आरके ने जो कुछ भी कहा वो उसके अपने शब्द नहीं थे, कहीं ना कहीं उसकी जलन उसका डर बोल रहा था। आरके ने मधु को सपोर्ट करते हुए अपनी हर टाइम में अपने स्टार्डम को जिंदा रखा, अपने आप को कहीं भी उसने झुकने नहीं दिया। वो ये अच्छी तरह से जानता है कि वो शूटिंग के काबिल नहीं है और इसी वजह से उसमें एक डर सा पैदा हुआ है अपने नाम को लेकर, और उसकी यही सोच हमारा हथियार बनेगी। नहीं दीपाली, किसी स्वार्थ के लिए मैं ऋषभ की इस हालत का इस्तेमाल नहीं करूंगी। बात चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अपने ऋषभ का दिल दुखा नहीं सकती। मुझे भी आरके की चिंता है, और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये आरके की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि थोड़ी सी तकलीफ पाके आरके हमेशा हमेशा के लिए मुसीबतों से मुक्त हो जाए, मधु से छुटकारा मिल जाए उसे? चाहती तो मैं। तो फिर यही एक मौका है हमारे पास बाबू। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और हमें खाली बैठे आरके के दिल में उस मधु के लिए कड़वाहट पैदा करनी है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। हमें मधु और आरके को धीरे धीरे अलग करना ही। पहली बार तुमने पति की बात की है, इस तरह मधु को संभलने का मौका दिए बगैर हम उसे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, आरके को तो उसकी तकदीर ने कुछ हद तक पहुंचा दिया जहां वो पहुंचा है। जैसे किसी का प्लान था और वो चक्कू बदले और वो चक्कू उनको लगा और उस वजह से उनको वो कोमा में गए और अब पैरालिसिस हो गया उनको। तो उसमें अगर आप हमसे पूछना चाहते हो कि हमने कुछ किया, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक तो कामयाब कैसे मैं आपको कहूँ हो पाया है। हम हर बार कुछ करते हैं और हर बार कुछ अलग ही हो जाता है, तो हम वो एक सही पॉइंट का वेट कर रहे हैं जहाँ पे बराबर लगेगा निशाना और वो होगा जो हम चाहते हैं। ऐसा होता है, इंसान कोशिश करता है, हारता है, फिर उठता है, कोशिश करता है, हारता है, फिर उठता है। ये ज़िंदगी का नियम है, तो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। मैं तब तक कोशिश करूँगी जब तक आरके मुझे मिल नहीं जाता, और तब तक चाहे मैं हज़ार बार हार जाऊँ, गिर जाऊँ, मैं फिर उठूँगी, मैं फिर लड़ूँगी, मैं फिर कोशिश करूँगी। बस हम दोनों के बीच में तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं और इरादे भी बड़े नेक होते हैं और अच्छे होते हैं। बस यही सब बड़े अच्छे नेक इरादे होते हैं कि हम कैसे कुछ बहुत ग्रेट काम करें, और वो ग्रेट काम करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। हम आपस में नोकझोंक भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी लगे रहते हैं। ये जो है किस्सा, ये है कि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऋषभ और मधु थोड़ा सा अलग हों, ताकि उनको कॉम्प्लेक्स आए कुछ कि हाँ आज उसके लिए फेमस इतनी बातें हो रही हैं और जो चीज़ें पर्सनल है वो अखबार में भी आ जा रही हैं। अब है रिश्ता, ऐसा ही है, ऐसा ही दिखाया है, तो ऐसा ही होगा। पर हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो उसको तोड़ देती है, और ऐसी किसी वही तो ढूंढ रहे हैं हम। हाँ, ऐसी किसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी किसी कड़ी को ढूंढ रहे हैं।